गाइस वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रायन। आज की वीडियो में एकदम धमाकेदार कार की अपन अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाले। ये दोस्तों BMW X6 RC कार। आपको पता होगा मेरे पास बहुत सारी BMW RC कार से। चलो दोस्तों फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों अगर आप भी X6 को खरीदना चाहते हो या फिर इसका प्राइस जानना चाहते हो, इसको मैंने कितने में खरीदा है, इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर तुम लोगों को एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा और इसको मैंने कितने में खरीदा ये भी आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका बाय लिंक दे रखा है। चलो गाइस बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूं। देखते हैं यार इसमें और अपने पास जो BMW X5 ऑफिशियल वाली है उसके अंदर क्या फर्क है, ये फटाफट से देख लेते हैं। ये देखो यार बॉक्स को मैंने यहां से ओपन कर लिया है। यार सच बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा ऑसम कलर है, देख सकते हो एकदम चमचमा रही है यार व्हाइट कलर में। तो ओ भाई काफी ज्यादा तगड़ी क्वालिटी लग रही है। हाथ लगाते भरी मेरे को पता चल गया गाइस क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। इसकी और क्या क्या मेन फीचर्स है सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। फिलहाल इसको मैं रखता हूँ साइड में, देखते हैं इसके साथ और क्या क्या चीजें अपने को मिली है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। अपने को BMW X5 में भी सेम रिमोट मिला था, सेम क्वालिटी वाला, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पर एक बैटरी कंपार्टमेंट है शायद, देखते हैं यार इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा है बॉक्स के अंदर, ये रही इसकी बैटरी NICD 700mAh 9.6 वोल्ट वाली बैटरी मिली है अपने को। ये है इसका चार्जर। ऑलराइट गाइस यहाँ पे देख सकते हो और दो व्हाइट कलर की कार्स ले ली है मैंने। ये है अपनी BMW X6, ये है BMW X5। इसमें और इसमें क्या फर्क है ये बताऊंगा और इन दोनों कार्स के साथ मैं इसको कंपेयर भी करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आज मैं अपनी X6 की फाइट कराने वाला हूँ ऑडी A7 के साथ। ये एक ऑफिशियल लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है, जैसे कि देख सकते हो और दोनों के बीच में डिफरेंस तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, पर अपनी जो X6 है A7 के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाइट है। व्हील्स दिखा देता हूं, ये देखो यार व्हील्स A7 के अंदर अपने को इस तरह के मिल जाते हैं, काफी ज्यादा दमदार व्हील्स है, पूरे के पूरे रबर के व्हील्स मिल जाते हैं इसके अंदर। देखो यार इसके भी जो व्हील्स है ना काफी तगड़ी क्वालिटी के है। व्हील्स का जो डिजाइन है बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। सामने की हेडलाइट देखो यार कितनी ज्यादा बड़ी वाली दी हुई है। रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो ये कार की वीडियो मैंने बनाई थी, ये है बेंटली कॉन्टिनेंटल GT। इसका साइज देखो यार जमीन आसमान का फर्क है। ये 1:14 मॉडल है, ये 1:12 मॉडल है। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अभी अपनी X6 को कंपेयर करते हैं X5 के साथ। ये कार के बारे में तो यार आपको पता होगा एकदम गजब की RC कार से। यहाँ पर सामने की तरफ से इन दोनों को आप देखो ना यार बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएंगी। ऊपर का जो बोनट का डिजाइन है सेम टू सेम है। हेडलाइट के अंदर थोड़ा सा फर्क है, ये एक सेडान टाइप RC कार है, ये एक SUV टाइप RC कार है। यहाँ पर अंदर की तरफ सीट्स वगैरह आपको क्लियरली नजर आ जाएंगी। पीछे की तरफ से ओ माय गॉड काफी ज्यादा गजब की दिख रही है। X5 बोल के यहाँ पे लिखा है। ये देखो यार इसके अंदर भाई पीछे का डिजाइन इसका मेरे को उतना खास लगा नहीं, पर इसका डिजाइन एकदम तगड़ा वाला दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। चलो फटाफट से चलते हैं बाहर, कराते हैं भाई इन दोनों के बीच में फाइट। देखते हैं आज ऑडी A7 जीतेगी या फिर BMW X6 जीतेगी। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट। ऑलराइट गाइस कार को मैंने रोड पे रख दिया है। कार देखो यार बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक दिख रही है। रियल कार भी इतनी ज्यादा रियल नहीं दिखेगी, अपनी जो BMW X6 है इतनी ज्यादा रियल दिख रही है। इसके बाजू में मैंने ऑडी A7 को भी रख दिया है। चलो गाइस सबसे पहले चलाते हैं BMW X6 को। ओ भाई बहुत ही ज्यादा स्पीड दी गई है, कंट्रोलिंग बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। ब्रेक लगाते हैं, ओ माय गॉड ब्रेक्स तो बहुत ही ज्यादा सुपर्ब इसके लग रहे हैं। रिमोट बहुत ही ज्यादा मस्त तरीके से काम कर रहा है। यार ब्रेक्स लगाने में बड़ा मजा आता है इन कार्स के अंदर। एक और बार चलाते हैं इसको, भी मैं सिंगल हैंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। ओ भाई सिंगल हैंड कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी चलाते हैं ऑडी A7 को। यार इसकी कंट्रोलिंग तो मेरे को BMW X6 से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। देख सकते हो इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही ज्यादा कम है, इसको चाहे तो अपन छोटे से एरिया में भी चला सकते हैं। ब्रेक लगा के देखते हैं, ओ भाई ब्रेक्स इसके BMW X6 से भी ज्यादा अच्छे दिए गए। एक और बार मैं ब्रेक लगाता हूं, ये देखो यार। ठीक है दोस्तों अभी अपन इन दोनों के बीच में रेस लगाने वाले हैं। देखते हैं यार कौन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, BMW या फिर ऑडी। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा टफ फाइट चल रही है। देखो यार एक दूसरे को दोनों ढकेलने में लगी है। ओ माय गॉड इतनी ज्यादा टफ फाइट मैंने आज तक कोई भी कार्स के बीच में नहीं देखी है। यार यहाँ पे ऑडी A7 थोड़ा सा आगे निकल चुकी थी, अभी देखो यार BMW इसको कट मार कर आगे निकल चुकी है। ओ माय गॉड मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा यार, BMW ऑडी A7 से भी ज्यादा स्पीड है। इसकी टॉप स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। क्लियरली जीत चुकी है अपनी BMW इस रेस को।
ऑल राइट गाइस, अभी यहाँ पे एकदम रियल पावर टेस्ट अपन कराने वाले हैं। दोनों के बीच में पुशबैक कराते हैं, देखते हैं यार कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। ओ माय गॉड, क्या टक्कर मारी यार बीएमडब्ल्यू ने ऑडी को, देख सकते हो टक्कर मारती है, पीछे हट रही है भाई, इतनी ज्यादा पावरफुल है अपनी बीएमडब्ल्यू। यहाँ पे ऑडी भी पूरी कोशिश कर रही है बीएमडब्ल्यू को पीछे ढकेलने के लिए, पर ऑडी को बिल्कुल भी यहाँ पे ग्रिप नहीं मिल पा रही है। बीएमडब्ल्यू सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकली यार ऑडी S7 से, यार इसने तो इसको धक्का मार के रोड से बाहर ही कर दिया। बीएमडब्ल्यू जीत चुकी है यहाँ पर। अभी देखते हैं गाइस कौन सी कार एकदम रियलिस्टिक दिखती है रोड पर चलते समय। यार बीएमडब्ल्यू के सामने का ग्रिल देखो और इसके हेडलाइट देखो और इसका साइड का लुक देखो यार भाई, एकदम रियल कार से भी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। पीछे की तरफ से एकदम ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा लग्जरियस दिखती है बीएमडब्ल्यू। वही दूसरी तरफ ऑडी A7 के बारे में कुछ कहने की जरूरत है नहीं गाइस, सामने का लोगो और ऑडी A7 देखते ही भाई लोग पूछने लगते हैं कि भाई इसको मैंने कहां से खरीदा है। एकदम रियलिस्टिक दिखती है भाई ऑडी A7 भी, दोनों के बीच में यहाँ पे रियलिस्टिक के मामले में टाई हो चुका है गाइस। ऑलरेडी गाइस यहाँ पे भी अपन टग ऑफ वॉर कराने वाले हैं दोनों के बीच में। ऑलरेडी बीएमडब्ल्यू ने पुशबैक में एक बार हरा दिया है ऑडी A7 को, देखते हैं यार अभी यहाँ पर कौन जीता है। यहाँ पर भी मेरे को लग रहा है कि बीएमडब्ल्यू जीतने वाली है यार, ऑडी A7 इतनी आसानी से हार जाएगी मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं था भाई। बीएमडब्ल्यू सच में यार बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी BMW X6 का रेंज टेस्ट भी करके देख लेते हैं ये कार कितनी दूर तक जा सकती है। इसके अंदर अपने को सिर्फ 27 MHz का रिमोट मिला है, बहुत दूर तक जा चुकी है ऑलरेडी, अभी भी जा रही है। अच्छा अभी ये रुक चुकी है, इसकी रेंज है तकरीबन 50 से 55 मीटर। ऑडी A7 को भी चला के देखते हैं इसकी रेंज कितनी ज्यादा है, दोनों के अंदर रिमोट तो सेम है, देखते हैं ये BMW X6 तक पहुंच पाती है यानी। ओ भाई देख सकते हो दोनों की रेंज बिल्कुल सेम टू सेम दी गई है, दोनों बिल्कुल आसपास में ही रुक चुकी है, यहाँ पे दोनों के बीच में टाई हो चुका है गाइस। चलो गाइस अभी अपन ऑफ रोड टेस्ट करने वाले हैं X6 का, देखते हैं ये ऑफ रोड में किस तरह से चल पाती है। इसकी स्पीड में जैसे ही बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, पीछे का व्हील जो है बहुत ही ज्यादा स्लिप हो रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा पानी में भी चला के देख लिया है भाई, ठीक ठाक से ही चल जाती है, पर ऑफ रोड में चलने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। अभी सेम टेस्ट करेंगे ऑडी A7 के साथ, इसके अंदर भी देखो यार सेम दिक्कत है, ये भी वाटर प्रूफ है नहीं, ज्यादा वाटर में चलाओगे तो कार खराब भी हो सकती है। ये भी जो कार है बिल्कुल भी ऑफ रोड में चल नहीं रही है, पीछे का व्हील बहुत ही ज्यादा स्लिप हो रहा है। अभी करते हैं लाइट टेस्ट, सामने की तरफ देखो यार दोनों के अंदर हेडलाइट्स दिए हुए हैं, पर बीएमडब्ल्यू की हेडलाइट्स मेरे को थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट लग रही है क्योंकि इसके अंदर डुअल प्रोजेक्टर है, इसके अंदर सिंगल प्रोजेक्टर है। पीछे की लाइट्स यार दोनों की बिल्कुल बराबर मेरे को लग रही है, दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है नहीं यार, लाइट्स के मामले में तो दोनों के अंदर टाई हो चुका है यहाँ पर क्लियरली। अभी करेंगे अपन वेट पुल टेस्ट, बीएमडब्ल्यू कार के पीछे मैंने बांध दी है 6x6 व्हील वाली आरसी कार, बहुत ही भारी भरकम आरसी कार है जो मैंने पीछे बांधी है, देखते हैं इसको ये खींच पाती है यानी, पूरी पावर लगा रही है व्हील देखो यार कितना स्पीड से घूम रहा है, पर कार को उतनी ज्यादा स्पीड से ये पुल नहीं कर पा रही है। मेरे को लगता है कि ये सिर्फ 10 km/h की स्पीड से इसको ये खींच के लेके जा रही है। सेम टेस्ट करते हैं ऑडी A7 के साथ, ऑडी A7 यार मेरे को लग रहा है कि बीएमडब्ल्यू X6 से ज्यादा स्पीड खींच रही है, देख सकते हो यार इसके ये बहुत ही ज्यादा इजी है वेट खींचने के मामले में, ऑडी A7 जीत चुकी है। तो गाइज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको BMW X6 पसंद है या फिर ऑडी A7 पसंद है, नीचे कमेंट करो गाइज फटाफट से अभी कभी। चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट, सबसे पहला नाम आ जाता है हकीम, हेमंत, सौम्यदीप, अथर्व, मसूद, प्रीतेश, सौरव नंदी, हार्दिक, राजदीप, अभी। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।